नमस्कार विद्यार्थियों, आज जो हमारे चर्चा के विषय है वो है जयशंकर प्रसाद एवं उनकी का नाटक ध्रुव स्वामी। तो सबसे पहले हम इसमें आज इस चर्चा के विषय में जयशंकर प्रसाद को जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जीवन विषय थोड़ा सा देखिए। जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है तो इनका जन्म 1889 में काशी उत्तर प्रदेश में है और इनका जन्म काशी में हुआ था। ये नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद जो कि शिक्षा के प्रेमी थे और अध्यात्म से भी उनका लगाव था। और इनके जो पितामह थे अर्थात दादा शिव पूजन सहाय जी, तो वो दान देने में, दूसरों की सेवा करने में काफी उनकी दिलचस्पी थी। तो जयशंकर प्रसाद जी को बहुत सारे तो उनको अपने पिताजी से मिले क्योंकि वो शिक्षा के प्रेमी थे, तो बहुत कुछ साहित्य उनको घर पर ही पढ़ने को मिल गया। उनकी तो बहुत कुछ साहित्य उनको घर पर ही पढ़ने को मिल गया। उनकी जो है तो कुछ शिक्षा दीक्षा विद्यालय में होती है, लेकिन उसके बाद जो है बाकी की शिक्षा दीक्षा उनकी घर पर ही होती है। उसके लिए व्यवस्था बनाई जाती है। कहा जाता है कि 17 वर्ष की जब इनकी उम्र थी तब तक में इनके बड़े भाई साहब इत्यादि लोगों का देहांत हो चुका था, तो सारी जिम्मेदारी इन पर ही सारी जिम्मेदारी इन पर ही आई थी। और इन जो मृत्यु है तो 1937 हो गए, अर्थात कुल मिलाकर के 48 वर्ष की अल्पायु में। तो साहित्य का ऐसा कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है जहां पर इनकी लेखनी को सफलता ना मिली हो, चाहे वो कविता का क्षेत्र हो, चाहे वो कहानी का क्षेत्र हो, चाहे नाटक का हो, चाहे उपन्यास का हो, चाहे एकांकी का हो, चाहे निबंध का हो। अर्थात इन्होंने हर विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और इनको सब में बराबर सफलता भी मिली है। इनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे इनका जो महाकाव्य है तो कामायनी है, खंड में देखें तो आय हो गई। इनके जो उपन्यास हैं तो कंकाल है, तितली है, इरावती है, इरावती अपूर्ण है, और इनके निबंध भी हैं, निबंध भी बहुत सारे इन्होंने लिखे। कहानियां कुल इन्होंने 72 कहानी लिखी हैं और जिसमें से पुरस्कार है आकाशदीप है इत्यादि, और बहुत सारी कहानियां। इनके जो नाटक हैं तो नाटक इन्होंने कुल 13 नाटकों की रचना की और उसी में से एक नाटक आपके पाठ में रखा गया जिसका नाम है ध्रुव स्वामी। ध्रुव स्वामी, तो ध्रुव स्वामी को हम लोग पढ़ेंगे। इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं कि ये बचपन में जब 8-9 वर्ष के थे तब कलाधर के नाटककारी है वो ब्रज भाषा में लिखना प्रारंभ किया था।
लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई और ज्ञान होता चला गया, वैसे वैसे इन्होंने अपनी भाषा को परिवर्तित किया और फिर खड़ी बोली में अपनी रचनाएं किए। इन्हें छायावाद का जो है, छायावाद के जो चार आधार स्तंभ कवि हैं उनमें से एक है। प्रसाद जी का नाम आता है, जैसे जयशंकर प्रसाद स्वयं हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, सुमित्रानंद अनुबंध हो गए और महादेवी वर्मा जी हो गई। तो इन चार में से ये है और इनकी इनमें बहुत सारा दर्शन भी भरा हुआ है, जैसे प्रसाद दर्शन, सैव दर्शन, प्रतिविज्ञा दर्शन इत्यादि। तो ये बहुत बड़े दार्शनिक भी थे, इतिहास का अच्छा खासा इनको ज्ञान था इत्यादि इनकी विशेषताएं हैं। तो अब इनके नाटक की चर्चा करते हैं थोड़ी सी। इनका एक ऐतिहासिक नाटक है जो कि 1935 में लिखा है, 1933 में ये लिखा गया और इसमें जो प्रमुख पात्र है वो है चंद्रगुप्त। दूसरा है रामगुप्त और तीसरा है चंद्रस्वामी। जिसे महादेवी के नाम से भी संबोधित किया गया इस समय में। चौथा है सकराज है शिखर स्वामी। और छठवां है उमा। इसके बाद भी और सामान और भी सारे पात्र हैं, हिजरा इत्यादि जो है, लेकिन प्रमुख पात्र इसमें पूरा नाटक जो है तो गुरुस्वामी, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, सकराज इतने के बीच में ही घूमता रहता है। पूरे नाटक जो कथा वस्तु है, जो कहानी है, इन्हीं तीन चार लोगों में घूमती रहती है। अब इसकी कथा वस्तु की हम शुरुआत करते हैं। ध्रुवस्वामी नाटक ऐतिहासिक नाटक तो है ही, इसमें जो है तो नारी के उद्धार की बात कही गई है। नारी का जो शोषण हो रहा था, नारी को जो एक उपहार की चीज या उसको उसके साथ जो पशुपत व्यवहार हुआ करता था, इन तमाम चीजों की इसमें उपेक्षा की गई है इस नाटक में। तो जयशंकर प्रसाद ने बताया है कि इस नाटक की शुरुआत जो है तो होती है समुद्रगुप्त थे गुप्त वंश में। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त के दो पुत्र हुए, एक का नाम था बड़े वाले का रामगुप्त और छोटे वाले का चंद्रगुप्त। तो इन दोनों के दो पुत्र थे, जिसमें से रामगुप्त बड़ा था और यह अकुशल था। अकुशल कैसे, ये हमेशा भोग विलास में डूबा रहता था, स्त्रियों के संपर्क में रहता था वैश्याओं के, और जब भी चंद्रगुप्त था तो उसमें चलता थी, ये नेतृत्व करने की अच्छी क्षमता थी और उसे वहां की जनता जनार्दन उसके व्यवहार से काफी खुश रहा करती थी। लेकिन यही शिखर स्वामी
ने इनके मृत्यु के बाद षड्यंत्र रच करके और इनके बड़े भाई को ही यानी कि रामगुप्त को भी राजा बनाता है। और उस समय की जो सबसे सुंदर स्त्री थी उसका नाम था ध्रुव स्वामी। तो ये ध्रुव स्वामी से वो जबरन उसका ब्याह भी कराता है। जब ऐसा होता है हो जाने के बाद रामगुप्त से ध्रुव स्वामी का विवाह हो जाने, लेकिन ध्रुव स्वामी जो है तो चंद्रगुप्त से प्रेम करती थी। और इस बात का जब पता चलता है रामगुप्त को तो रामगुप्त मतलब ध्रुव स्वामी पर और कड़ी नजर रखता है और गहरा पहरा लगवा देता है अपने सैनिकों से बोल करके कि इस पर कड़ी नजर रखी जाए। तो कहते हैं कि जब भी ऐसा होता है तब ये और भी प्रेम और भी गाढ़ा होता है। आपने सुना होगा एक गीत भी है कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है तब वो और भी गहरा हुआ है, बिल्कुल वैसी ही यहाँ पर कहानी है। और इसके बाद क्या होता है कि जब भी वो उससे यानी ध्रुव स्वामी से रामगुप्त मिलता है तो दोनों में अच्छा संबंध नहीं रहता है, खटपट होती रहती है। तो वह वहां से ध्रुव स्वामी के पास से उठ करके और उन्हीं स्त्रियों के पास चला जाता है। ऐसा उसके साथ आए दिन होता ही रहता हो। क्या हम उपहार में देने की चीज है? क्या हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना उचित है? इत्यादि चीजें जब वो कहने लगती है तो अपनी सुरक्षा के लिए अपनी गति को बचाने के लिए वो ऐसा करता है। तो जब इसके बाद ये खबर धीरे धीरे महल में फैलने लगती है और जब चंद्रगुप्त तक पहुंचती है तो चंद्रगुप्त वहां पर आकर के ध्रुव स्वामी की रक्षा करता है, क्योंकि अब ध्रुव स्वामी के मन में ये बात आ गई थी कि मतलब पर पुरुष के बारे में सोचना और उसके पास जाना घोर अपराध है, इससे बेहतर है कि हम आत्महत्या कर लें। अर्थात वह आत्महत्या करने ही वाली थी तभी वहां पर चंद्रगुप्त आकर के उसकी रक्षा करता है। तो चंद्रगुप्त सोच ही रहा था कि अब क्या करें, तभी वहां पर मतलब जो हिजड़ा है वो आता है और कहता है कि ज्यादा तो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन अगर जो आपको स्त्री बनाया जाए तो आप ध्रुव स्वामी से कम नहीं दिखेंगे बल्कि कुछ ज्यादा ही सुंदर दिखेंगे। ये बात तो थी मजाक की, लेकिन ये बात चंद्रगुप्त को खा जाती है और चंद्रगुप्त स्त्री वेशभूषा धारण करके और सकराज से मिलने जाता है। तो सकराज खुद नहीं पहचान पाता कि इनमें से ध्रुव स्वामी कौन है, क्योंकि दोनों एक जैसे ही लग रहे थे से सकल से भी। तो क्या होता है कि जब चंद्रगुप्त कहता है कि हम आपसे अकेले भी मिलना चाहते हैं तो बड़ा खुशी होता है कि हमने तो एक की कामना की थी, एक ही इच्छा रामगुप्त से की थी, लेकिन यहाँ पर दो दो हैं, बड़ी अच्छी बात है। वो उसे अकेले मिलने के लिए तत्पर हो जाता है। इसी बीच रामगुप्त अपने असली रूप में आ करके और उसे सकराज से युद्ध करता है और सकराज पराजित होता है, वो मारा जाता है और इस तरह से वो उसको बचा लेता है। लेकिन जब सारी जान शांत हो जो है
ज्यादा चाहने लगते हैं, मांगने लगते हैं, इरादे हैं कि राजा होने के काबिल तो यही व्यक्ति है, इसी को राजपाट देना चाहिए। ऐसा तभी आकर के उस पर पीछे से वार करना चाहता है। तभी इतने में एक जो है तो सावंत ने इस दृश्य को देखता है और वह अपनी तलवार निकाल करके रामगुप्त पर वार करता है, तो रामगुप्त मारा जाता है। इसके बाद उन्हें से जो है तो गुरु स्वामी कहते हैं अपने बचाव के लिए बोलती है, स्वामी कहते हैं अपने बचाव के लिए बोलती है, तो ब्राह्मणों ने पुनः से वेदों का कोई कारण से तो गाय के बंधन में बांधा और दोनों इस तरह से राज करने लगे। युक्त वंश को आगे बढ़ाया इन दोनों ने। इस नाटक में जयशंकर प्रसाद ने इतना ही बताया है और इसमें जो प्रभु निष्कर्ष, तो निष्कर्ष तौर पर हम ये कह सकते हैं रूप स्वामी जो है तो एक साहसी और चरित्रवान लड़की है, प्रमुख पात्र है, जो अपने लिए अपने अधिकारों को मांगती है। उस समय पर जो कुरीतियां फैली हुई थी कि मतलब औरतें दरबार में बोल नहीं सकती थी, उनको जिसके साथ चाहे उसके साथ बांधा जा सकता है। इस तरह का थोड़ा सा उन्हें से देख लें, ध्रुव स्वामी जो नाटक है तो पूरी तरह से ऐतिहासिक है, पर इसे नाटककार ने रागारंग कल्पनाओं से भर दिया है। यह नाटक भारतीय संस्कृत की धरोहर भी है। यहाँ पर असत्य पर सत्य की विजय को दिखाया गया है या दर्शाया गया है। भावना एवं नारी जाति की सम्मान दुहाई इस नाटक में बताई गई है या दी गई है, और स्त्री जात हो इस सोचता हो ऐसे शासक के जो कि सौर्यवान हो उसकी आवश्यकता है, नपुंसक एवं भोग विलास में लिप्त शासक देश को डुबो देता है, तो ऐसे शासक की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु स्वामी नाटक की कथा मिश्रित है, इसमें ऐतिहासिक वृत्तांत एवं उपलब्धियां भी शामिल है। यह नाटक इतिहास एवं कल्पना जो है तो तीन अंगों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक अंग का दृश्य जो है तो रामगुप्त के सिर से आरंभ होता है, यद्यपि शौर्यवान एवं कार्यभार चलाने में सक्षम है, फिर भी मंत्री की मंत्रणा के चलते वह सब कुछ छोड़कर अपने अग्रज जो रामगुप्त को राजपाट चलाने का भार सौंपता है, रामगुप्त स्वयं एक डरपोक एवं भोग विलासी व्यक्ति होने के कारण जो है तो मतलब वह भोग विलासी स्वभाव का व्यक्ति है, और उसका जो विवाह है तो उस समय की सबसे सुंदर कन्या
अर्थात ध्रुव स्वामी के साथ हो जाता है, कराया जाता है। रामगुप्त अपने दायित्वों से बेखबर रहता है। बात विवाद के चलते रामगुप्त ध्रुव स्वामी के संबंध में लगातार दरार पड़ती चली जाती है और इसी बीच सकराज का आक्रमण होता है और रामगुप्त उसका मुंहतोड़ जवाब देने में तो वह सकराज के संधि प्रस्ताव को मान लेता है और वह अपनी प्यारता यानी धर्म पत्नी जो उसकी है ध्रुव स्वामी, तो ध्रुव स्वामी को सकराज के हाथ सौंप देता है और अपने आप को दरकिनार कर लेता है। इस पर ध्रुव स्वामी बड़ी दुखी होती है, क्षुब्ध होकर के मृत्युवरण को तत्पर हो जाती है और देश की बुरी स्थिति एवं रामगुप्त की कायरता को देखते हुए चंद्रगुप्त देश की रक्षा के लिए सेना की कमान संभालता है और सकराज को एक विशेष परिस्थिति में मार गिराता है। ध्रुव स्वामी के साथ चंद्रगुप्त स्त्री वेश में सकराज के पास पहुंचता है। सकराज यह देख करके हैरान हो जाता है कि ध्रुव स्वामी का यह जुड़वा रूप कहां से आ गया। तो चंद्रगुप्त अपना इसके बाद चंद्रगुप्त जो है तो अपना वास्तविक रूप दिखा करके सकराज से युद्ध करता है और उसे मार गिराता है। इसके बाद चंद्रगुप्त के सामंत वर्ग रामगुप्त का वध कर देते हैं क्योंकि वह किसी काम का व्यक्ति नहीं है बल्कि धरती का बोझ है। पुरोहितों के परामर्श से विशेष वैदिक अनुष्ठान संपन्न कर ध्रुव स्वामी का पुनर्विवाह चंद्रगुप्त के साथ हुआ। ये दोनों अपना राजपाट चलाने में सक्षम हुए और समयानुकूल गुप्त की पात्रता सुव्यवस्थित की गई है। इसमें दर्शकों का आकर्षण एवं जिज्ञासा नाटकीय दृश्यों के प्रति एक जैसा बना हुआ है। ध्रुव स्वामी का परिचय शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक है। सकराज द्वारा आक्रमण की प्रक्रिया रामगुप्त की कायरता को दर्शाता है। धूमकेतु को देखकर भयभीत सकराज के कक्ष में चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी का प्रवेश नाटक में चार चांद लगा देता है। ध्रुव स्वामी कथोपकथन में उतना विस्तार नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। इसमें पात्रों की संख्या सीमित एवं मूल कथा पर आधारित बिल्कुल व्यवस्थित है। इस नाटक में नाटककार ने ध्रुव स्वामी की कथा को प्रासंगिक कथा बना दिया है। ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त एवं रामगुप्त इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं। रामगुप्त जैसे भी ध्रुव स्वामी का उद्धार एवं पुनर्विवाह आधिकारिक तौर पर मुख्य घटनाएं हैं जिसके आधार पर संपूर्ण नाटक अपना रंग दिखा पाया है इत्यादि इसकी विशेषताएं रही हैं और साहसिक अवलोकन हो जाती है। ध्रुव स्वामी रामगुप्त से मुक्ति चाहती है जो ध्रुव स्वामी जो है तो रामगुप्त से मुक्ति चाहती है और उसे मुक्ति मिलती भी है। ध्रुव स्वामी नाटक हर दृष्टिकोण से समस्याओं से घिरा एक समस्या प्रधान नाटक चरितार्थ हुआ है। ऐतिहासिक गतिविधियों के क्रम में नाटककार ने आदर्श प्रस्तुत करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। इससे नाटक के प्रभाव में वृद्धि हुई है। ध्रुव स्वामी की कथानक संवेदना होने के कारण प्रश्न एवं उत्तर देने की प्रक्रिया
संवेदनशील हुई है। प्रथम अंक में परिणाम से ये सारी गतिविधियां धर्म एवं राजनीति पर आधारित है और तीसरे अंग में नाटकीय मोड है या दिखाया गया है। ठीक है, फिलहाल इस नाटक के बारे में इतना ही। धन्यवाद।